हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, आज एलिमेंट वेलनेस का, एलिमेंट्स ब्रांड का नेट्सियम कैपलेट्स, ये नाम से ही आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। ये रिवोल्यूशनरी सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम है। ये कैपलेट्स नाम दिया गया है, कैप्सूल और टैबलेट का दोनों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन इन द सेंस साइज आपको कैप्सूल का तरह है लेकिन टैबलेट्स फॉर्म में है। और नेट्सियम नाम इसलिए दिया गया है कि नेचुरल तरीके से हमारा ये कैल्शियम को बनाया गया है। तो नेचुरल प्लस कैल्शियम दोनों को मिक्स करके नेट्सियम ये नाम दिया गया है। तो नाम से आप क्लियर हो गया होगा, ये हमारा कैल्शियम के लिए सप्लीमेंट है। तो हमारा शरीर में कैल्शियम का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है शरीर में कैल्शियम, आप लोग लगभग जानते होंगे, फिर भी एक बार आप लोगों को रिवाइज करता हूं। हमारा शरीर का जो जितने सारे हड्डी है, मेन जो स्ट्रक्चर जिससे बनता है हमारा, जितना बोन है और टीथ, इसमें 99% कैल्शियम हमारा जो यूज होता है, 99% जो स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बहुत जरूरी चीज है वो कैल्शियम है। और 1% जो कैल्शियम कहाँ यूज होता है, जो कार्टिलेज टिश्यू है प्लस ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड में हमारा कैल्शियम का परसेंटेज जितना मिनिमम रहना चाहिए, एक एवरेज रेंज है, वो पक्का मेंटेन होना चाहिए। तो इसके अलावा और क्या काम में आता है हमारा, जैसे देखिए हड्डी मजबूत के लिए तो है ही है, हेयर फॉल हो जाता है, जो बालों का झड़ना या बालों का अच्छा हेल्दी के लिए, न्यूरिशमेंट के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। साथ साथ में ब्लीडिंग को रोकने के लिए, कहीं भी आपका कट हो जाता है, कुछ छिल जाता है, कुछ भी होता है, तो आपको ब्लड को बंद होने के लिए, जो ब्लीडिंग टाइम इसको कम करने के लिए कैल्शियम का बहुत सख्त जरूरत है। आपको सेंडिंग और रिसीविंग नर्व सिग्नल, कोई भी सिग्नल हमारा, जो भी जो कहीं चोट लगा है, कहीं टच हुआ है, कहीं गर्म लगा है, तो तुरंत जो सिग्नल हमारा ब्रेन में पहुंचता है, इसके लिए भी कैल्शियम का बहुत जरूरत है। दूसरा चीज है जो मसल रिलैक्सेशन और कंट्रैक्ट के लिए, स्क्वीजिंग और रिलैक्सेशन के लिए, मसल के लिए भी हमारा कैल्शियम का बहुत जरूरत है। तो ये सारे चीज के लिए हमारा कैल्शियम बहुत अहम रोल अदा करता है। साथ ही साथ जैसे देखिए, कुछ हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज करने के लिए भी कैल्शियम का, जैसे थायराइड हार्मोन वगैरह में बहुत ज्यादा यहाँ रोल अदा करता है। साथ साथ जो हार्ट बीट है हमारा, हार्ट बीट को नॉर्मल रखने के लिए भी कैल्शियम, और बाल के झड़ने के लिए तो मैं पहले ही बता दिया कि बाल को झड़ने के लिए रोकता है कैल्शियम, जो हेयर फॉल को रोकता है कैल्शियम। अब अगर इसका थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाए, तो एवरेज एक 60 केजी का अगर आदमी है तो 2% शरीर में कैल्शियम होना चाहिए, 1 केजी से 1200 ग्राम कैल्शियम उनका शरीर में होना चाहिए। एवरेज 700 mg कैल्शियम जो है रूटीन में हमारा शरीर से डेली निकल जाता है, डेली हमारा 700 mg का लगभग कैल्शियम शरीर से आउट हो जाता है। और ये जो कैल्शियम हम किस किस चीज से, एवरेज डाइट में हम 20-50% कैल्शियम हम इंटेक करते हैं, हम हो सकता है हमारा जरूरत का पूरा कैल्शियम हम नहीं ले पा रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम है लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे बॉडी। जैसे क्या क्या खाने में आपको कैल्शियम मिलेगा, देखिए आपको दूध में मिलेगा, सोयाबीन्स में मिलेगा, आपको ब्रोकोली में मिलेगा, आपको कुछ नट्स है इसमें मिलेगा, तो बहुत सारी चीज में आपको कैल्शियम मिलता है, लेकिन उसका एब्जॉर्ब हम कितना कर पाते हैं वो अलग बात है। जब कैल्शियम हमारा शरीर के अंदर ब्लड में घट जाता है या उसका लेवल जो लो हो जाता है, उसको हाइपोकैल्शियमिया कहता है, एक बीमारी जो होता है लो कैल्शियम को हाइपोकैल्शियमिया बोलते हैं। हमारा शरीर में अगर विटामिन डी का कमी है तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, हम इंटेक तो कर रहे हैं कैल्शियम लेकिन उसको शरीर में काम में नहीं ला पा रहा है, क्योंकि विटामिन डी कमी की वजह से। विटामिन डी अगर सफिशियंट रहे तो कैल्शियम एब्जॉर्बेंस ठीक ठाक हो जाएगी, इसलिए विटामिन डी का भी यहाँ बहुत सारे आप मार्केट का मेडिसिन में आप विटामिन डी इंक्लूड किया हुआ है कैल्शियम के साथ, कैल डी करके आपको बहुत आता होगा, सुना होगा। तो नेक्स्ट क्या है, हमारा हाई परसेंटेज जो विटामिन डी डिफिशियंसी इंडिया में पाया जाता है, जो हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, तो ये हम सिंपली जो ब्लड टेस्ट होता है वो करके हम विटामिन डी का रेंज पता कर सकते हैं। अब विटामिन डी मिलता कहाँ से है, जैसे एक योग से मिल जाता है, सबसे नेचुरल तरीका है सनलाइट, मॉर्निंग का सनलाइट अगर 20-25 मिनट आधा घंटा अगर हम सनलाइट ले ले तो हमारा विटामिन डी स्किन में ऑटो प्रोसेस में बनता है, तो विटामिन डी हम सनलाइट से भी फ्री में ले सकते हैं। अभी देखिए 2013 में ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में एक रिपोर्ट के हिसाब से जो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं,
कंटिन्यू इल जो रहता है, क्रोनिक पेशेंट है, उनके लिए भी कैल्शियम डेफिशिएंसी का एक चांसेस बना रहता है। ग्लोबल गाइडलाइन के हिसाब से 2015 में एक पब्लिश हुआ था जिसमें 3.5 बिलियन जो कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार है। तो आज के दिन में सोचो कि 2015 से आज तक अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों में से कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार है जो जिनको पता नहीं होता है। अब हमें जानना है कि किन लोगों को कैल्शियम का जरूरत ज्यादा पड़ता है, किन किन लोगों को, मतलब किस एज में या किस टाइप का लोगों में से कैल्शियम का जरूरत ज्यादा पड़ता है। जैसे ओल्डर एडल्ट, जो लोग एजेड हो जाता है, टीनेजर, जो बढ़ने का उम्र है जिसका अभी 10 से लेकर 17 18 साल तक, टीनेजर जो होता है उनको कैल्शियम का ज्यादा जरूरत पड़ता है। उसके बाद जैसे देखिए ओवरवेट जो हुआ, उनका खाना तो खाता है लेकिन खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ओवरवेट जिसको बॉडी वेट के हिसाब से उनको भी कैल्शियम का जरूरत ज्यादा पड़ता है। जो वुमेन मल्टीपल प्रेगनेंसी ले रखा है या लैक्टेशन पीरियड में है, बहुत कई बार बच्चा हो चुका है या अभी बच्चों को दूध पिला रहा है, तो इस सिचुएशन में उसका कैल्शियम का डेफिशिएंसी होने का चांसेस ज्यादा रहता है। जो लोग ज्यादा नमक वगैरह खाते हैं, एक्सेस सोडियम और प्रोटीन इंटेक करता है, तो उनके साथ साथ भी कैल्शियम कुछ रिलीज हो जाता है, बॉडी से कुछ निकल जाता है, पसीना या यूरिन के थ्रू ज्यादा निकल जाता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा शरीर में कैल्शियम का डेफिशिएंसी है, ये पता करने के लिए आपको जो सिम्टम्स आपको दिखाई देता है, जैसा मस्कुलर प्रॉब्लम, मसल प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा, एक्सट्रीम फैटिक, आपको थकावट सा महसूस होगा, आपको जैसे कि नेल हेयर और स्किन से भी आपको पता कर सकते हैं, नेल वगैरह खराब होने लगेगा, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी में छलनी बन जाना, हड्डी कमजोर हो जाना, उसमें स्पोर जैसा, छोटा छोटा स्पोर जैसा शुरू हो जाएगा कि उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा हड्डी का। पेनफुल प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, जो लेडीज होगा जो मेन से पहले से जो दर्द शुरू हो जाता है, इसमें से भी आपको आइडिया लगा सकते हैं कि कैल्शियम का कमी आ रहा है। डेंटल प्रॉब्लम, जो दांत जो हमारा है, मैं पहले बताया हड्डी और टीथ जो है 99% कैल्शियम उसमें यूज होता है, तो वो जो कैल्शियम का कमी हो जाएगा तो हड्डी कमजोर हो जाता है, दांत कमजोर हो जाता है, तो दांत में कीड़ा लगने का बहुत चांसेस होता है। उसके बाद जो ग्रोइंग एज होता है बच्चों का, उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है, तो उसमें आपको आइडिया लगाना कि हो सकता है बच्चों को भी कैल्शियम का कमी है। तो अभी रिक्वायरमेंट कैल्शियम का क्यों जरूरत है, ऑब्जर्वेशन ऑफ कैल्शियम, हमारा जो डाइट हम लेते हैं उसमें से पूरा, पहले तो पूरा ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, पूर डाइट है, हो सकता है कैल्शियम उसके अंदर कम है या नहीं है, या कुछ कैल्शियम वाला डाइट ले रहा है तो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। उसमें होता क्या है, हमारा शरीर के अंदर अगर कैल्शियम है सफिशियंट क्वांटिटी ब्लड में अगर है, तो हमारा थायराइड का जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है कैल्सिटोनिन करके, वो क्या करते हैं उस ब्लड से उस कैल्शियम को ले जाके हड्डी में या टीथ में जहां जरूरत है वहां जाके डिपोजिट कर देता है। अगर इनकेस उल्टा एक्शन में होता है, इनकेस अगर उस ब्लड में कम हो गया तो हमारा पैराथायराइड हार्मोन उल्टा काम करता है, वो फिर हड्डी से कैल्शियम को निकाल के लाके ब्लड में कवर करता है, क्योंकि ब्लड में और भी जो चीज का जरूरत है ब्लीडिंग बंद करने का, बाकी सारे चीज का, उसके लिए ब्लड में रेंज को पूरा करने के लिए हड्डी उसे निकाल के लेके फिर वापस अब ब्लड में लेके आता है। और हमारा शरीर का जो क्या होता है, स्टोमक जो स्लाइटली एसिडिक होता है, वो भी हमारा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम जब हम इंटेक करते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और ना होके वो स्टूल के थ्रू निकल जाता है ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम। अब क्या होता है, जैसे ब्लड में अगर जरूरत है हड्डियों से वो कैल्शियम का पार्ट को लेके आता है और हमारा ब्लड में देता है, तो हड्डियों क्या होता है, कमजोर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होता है, छोटा मोटा चोट लगने से फ्रैक्चर हो जाता है या टूट जाता है, आपको कमजोर हो जाता है, उसको सीधा खड़ा नहीं हो पाते, सारे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको आता है, ड्राइविंग करना मुश्किल हो जाता है, उसके बाद जो भी रूटीन काम है तो नहीं कर पाते। और दो सेल होता है हमारा, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, ये दोनों सेल क्या करते हैं, हमारा ब्लड का जो कैल्शियम का पार्ट है वो ले जाके हड्डियों में जमा करने में काम करता है। अब हमारा जो शरीर में जो रेंज है ब्लड का, जो ब्लड में जो कैल्शियम का जो रेंज है वो 8.5 से लेकर 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, 8.5 से लेकर 10.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड में होना चाहिए। आप कहीं भी लेबोरेटरी में टेस्ट करके आप पता कर सकते हैं। अब हमारा ICMR का एक रिसर्च में या सर्वे में बताया, साथ साथ में फेसी भी, कि हमारा डेली बेसिस रिक्वायरमेंट कितना है एक आदमी के लिए, जिस एज ग्रुप में है या जिस सिचुएशन में है उनको कितना कैल्शियम का जरूरत है। देखिए चार्ट में दे रखा है, मैन है तो उसको 60 kg वेट है तो 600 मिलीग्राम
उसको पर डे का जरूरत है। वुमेन है तो उनको भी 55 kg अगर लगभग वेट है तो उनको भी 600 mg पर डे का जरूरत है। अगर वुमेन जो प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है, ये बच्चे को दूध पिला रहा है, उस सिचुएशन में उनको डबल जरूरत पड़ता है, 1200 mg पर डे का रिक्वायरमेंट हो जाता है। बच्चों के लिए भी लगभग लगभग अगर 25-30 kg वेट है तो भी उसको 600 mg उसको रिक्वायरमेंट है। गर्ल्स के लिए थोड़ा ज्यादा है, 10 से 17 साल के एज में है तो उनमें कैल्शियम का ज्यादा जरूरत पड़ता है, 800 mg का। बॉयज में भी अगर 10 से 17 साल का है, ग्रोइंग एज में है, तो उसको 800 mg का लगभग जरूरत पड़ता है। अब हमें मेंटेन करने का क्या जरूरत है, बार बार यही चीज का ध्यान देने के लिए जरूरत है, क्योंकि हम लोग इसको नजरअंदाज करते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस का हाई परसेंटेज देखा जाता है, जो हड्डी कमजोर हो जाता है। हर एक 2 लेडीजों में से, 2 वुमेन में से एक इस बीमारी का शिकार है, 8 जेंट्स में से एक इस बीमारी का शिकार है। अगर वो 45 साल का एज का ऊपर हो गया तो, एजेड जैसे ही हो जाता है तो उसमें इस कैल्शियम कमी का वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार बन जाता है, मतलब पेशेंट बन जाते हैं। और उसमें क्या होता है, बैक पेन होता है, वेट कम हो जाता है, साथ साथ में हम लोगों का स्टोमक या हजमा ठीक से नहीं होता है, और शोल्डर्स ठीक से काम नहीं करता। हम लोग जो वर्क करना है, जैसे ड्राइविंग करना है, वॉकिंग करना है, कुकिंग करना है, कुछ भी चीज है, सीधे ढंग से खड़ा रहना है कुछ देर तक, तो ये सब नहीं हो पाता है। हिप, लेडीज जेंट्स सबका हिप फ्रैक्चर होने का ज्यादा चांस रहता है। हमें पता कैसे चले कि हमारा बोन में सफिशियंट क्वांटिटी में कैल्शियम है या बोन कमजोर हो रहा है, तो लो डोज एक्सरे करके एक चीज होता है, जो एक्सरे में जाकर आप बोल सकते हैं कि लो डोज एक्सरे टेक्नोलॉजी से वो आपका बोन का डेंसिटी को आपको मेजर करके बता सकता है। अब सोर्स ऑफ कैल्शियम में देखिए, कैल्शियम हमारा ग्लोबली जो अर्थ से क्या क्या मिल सकता है, जैसे देखिए डोलोमाइट, लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ये सारे चीज से आपको कैल्शियम ये मिल सकता है हमारा धरती से, और सिंथेटिक तरीके से भी बहुत सारे फैक्ट्री कैल्शियम भी बना रहा है। बहुत कैल्शियम फ्रॉम एनिमल सोर्सेस, एनिमल से भी हमें कैल्शियम मिलता है, जैसे कि बोन्स, फिश मील, सेल्स, कोरल्स, पीरल्स, इसमें से भी आपको कैल्शियम मिलता है। और सबसे अच्छा जो है, सदियों से, हजारों साल पहले से जो चले आ रहा है कैल्शियम, नेचुरल फ्रॉम मिल्क, दूध से जो हमें कैल्शियम मिलता है, दूध जो बोवाइन मिल्क से, तो ये क्या होता है, सबसे अच्छा कैल्शियम मारा जाता है, शरीर में उसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके साथ कैल्शियम के साथ साथ आपको मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये तीनों चीज उसके साथ कॉम्बिनेशन किया हुआ है, और ये सबसे अच्छा है कि अच्छा सबसे ज्यादा से ज्यादा ये एब्जॉर्ब शरीर हमारा कर सकता है। अब जो है एक नोबेल कॉम्बिनेशन में एलिमेंट्स हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट बना है जो नेफ्थियम कैपलेट्स के नाम पे हम लोगों को प्रोवाइड कर पा रहा है। अब इसमें जो खूबी क्या है, नोबिलिटी क्या है, नेफ्थियम में क्या खूबी है, तो नेफ्थियम जैसे कि आपको नेचुरल तरीके से मिल्क से बना हुआ है, और एक नोबेल टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा इसमें साथ में मिक्स किया है। आयुर्वेदा क्या है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। कैल्शियम इज बैलेंस्ड विद मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये हर एक बाजार में जो आप मार्केट में जो कैल्शियम का सप्लीमेंट लेते हैं उसमें सारे कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा जो हमारा इसमें मिल रहा है। ये सारी चीज ध्यान देने वाली बात है। अब क्या होता है, बाजार का जो प्रोडक्ट होता है, जो कैल्शियम सप्लीमेंट होता है, वो लेने से क्या है, हमारा किडनी में या यूरिनरी ट्रैक में, ब्लाडर, यूरेथ्रा, यूरेटर्स, ये सारे चीज में स्टोन होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कैल्शियम इंटेक करने की वजह से। लेकिन हमारा इस प्रोडक्ट में आयुर्वेदिक का जो जड़ी बूटी, जो हर्ब्स दिया हुआ है, जो उस स्टोन होने में रोकता है, जैसे देखिए गोक्सरू करके जो हर्ब्स है, ये पहले से भी कहीं प्रोडक्ट में है, आप लोगों को डिस्कस किया होंगे कि ये जो है, ये गोक्सरू हमारा स्टोन प्रतिरोधक है, प्रिवेंट करता है, स्टोन बनने में प्रिवेंट करता है। साथ साथ आपको पिपली दिया गया है, इसको जोगवाही बोलता है, ये क्या करता है, हमारा जो एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, जो कैल्शियम का शरीर के अंदर एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी को एनहेंस करता है, बढ़ाता है। तो ये दोनों जो सुपरस्टार हर्ब्स इसके अंदर दिया गया, एक तो आपको स्टोन नहीं होने देंगे, दूसरा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। और नेफ्थियम मिल्क इज नॉट ए सॉल्ट, ये कोई सॉल्ट नहीं है, ये जो दूध से बना हुआ कोई सॉल्ट नहीं है, ये हायर लेवल में इसमें दिया जाता है दूध से बना हुआ कैल्शियम, जो आपको अच्छा से अच्छा शरीर एब्सॉर्ब कर सकता है। इसका जो फिल्म कोटेड है, एक कैपलेट का तरफ बना हुआ है, ये मतलब कैप्सूल का आकार में है और टैबलेट का फॉर्म में बना हुआ है, ये कैपलेट्स है। अब यूज कैसे करना है इसको देखिए, आप 5 से लेकर 70 साल का एज का कोई भी इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और
33% हमारा बॉडी का जो डेली रिक्वायरमेंट बेस है उसका 33% कैल्शियम हमें एक कैप्सूल से मिल सकता है। 200 mg इसमें आपको मिल जाएगा एक कैप्सूल से। तो हम सोचते हैं कि एक ही कैप्सूल एक दिन में लेना सफिशियंट है। और कैप्लेट्स इजीली आपको ये दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है 5 साल से कम है तो उसको आधा कैप्सूल भी आप उसको खिला सकते हैं। दो पार्ट में इसको डिवाइड करने के लिए बीच में एक आपको लाइनिंग्स मिल जाएगा, उसमें तोड़ने में आसान नहीं रहेगा। और ये 3 महीना तक आप डेली एक एक कैप्सूल 3 महीना तक यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, कहां आपको केयर लेना है। जैसे देखिए आपको 5 से 10 साल तक का बच्चे का तो हाफ कैप्सूल दे ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर हेल्दी पर्सन है तो 10 साल के ऊपर उसको एक कैप्सूल पूरा दे सकते हैं एक कैप्लेट्स। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन जो होता है, जो लोग बच्चों को दूध पिला रहा है या प्रेग्नेंट है, उनको हम लोग बोलते हैं कि देने के लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है कैल्शियम का। फिर भी अगर डॉक्टर से सलाह ले तो और बेटर रहता है क्योंकि कोई नुकसान ना हो आगे का। और कोई भी मार्केट का कोई दवाई ले रहा है उसके साथ साथ आप ये नेट्सियम को नहीं लेना, कम से कम 1 घंटे का ब्रेक रखना। और साथ ही अगर कोई फीलिंग्स का कैप्सूल हमारा ले रहा है, हमारा एलिमेंट्स के प्रोडक्ट है जो HB कम हो जाते हैं हीमोग्लोबिन के लिए जो फीलिंग्स है, उसके साथ साथ नहीं लेना, कम से कम 1 घंटा गैप होना चाहिए। या तो ये सुबह लेंगे तो शाम को लेना, टाइम को थोड़ा चेंज कर देना, क्योंकि अगर फीलिंग के साथ साथ लेंगे तो इसके एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी को रोक देता है। तो ये सारे चीज जो आपको ध्यान देना है। और एक दिन में 200 से 500 mg तक ही हमारा शरीर को देना है क्योंकि ऑटोमेटिक खाने के साथ भी कुछ हमारा कैल्शियम शरीर में जा रहा है, तो ज्यादा देने से भी ज्यादा इंटेक नहीं कर पाता, वो हमारा आउट हो जाता शरीर से। इसीलिए एक दिन में मैक्सिमम आप 2000 mg तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा देना भी नहीं है क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। और 500 से 600 mg एट ए टाइम आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये कैल्शियम के साथ, नेचुरल कैल्शियम के साथ, बोवाइन मिल्क के कैल्शियम के साथ और क्या क्या आपको मिल पा रहा है। जैसे देखिए गोक्सरू जो आपको स्टोन होने में रुकेगा, तीसरा चीज क्या है पिपली जो आपको एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी को बढ़ाएगा। और 33% डेली रिक्वायरमेंट का 33%, अगर 600 रिक्वायरमेंट है तो 200 एक कैप्सूल से आपको मिल रहा है। और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा एक प्रोडक्ट हमारा एलिमेंट्स ब्रांड ने प्रोवाइड कर रहा है आप लोग, फर्स्ट टाइम इंडिया में। और ये बोवाइन मिल्क से नेचुरल तरीके से बना हुआ। तो आज के लिए मैं समझूंगा कि अच्छा लगा होगा, एक कैल्शियम के बारे में सब कुछ जान गया होगा। ये एक हर्ब्स जो है आयुर्वेदिक तरीके से बना हुआ है और नेचुरल तरीके से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम नेट्सियम रखा गया है। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि अगला जो भी वीडियो मैं इसमें डालूंगा, जो भी आपको ट्रेनिंग आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।